वो जो फील हुआ ना उस दिन जो दिल पे एक किक मिलती है ना, वो लगी कि यार होते हैं इज्जत तो बहुत मिलती है। जब एक वीडियो में बहुत ज़्यादा व्यूज़ बढ़ जाते हैं ना, तो उससे पता चलता है कि वीडियो में बहुत लोगों का इंटरेस्ट है। लेकिन इस AMA सीरीज़ में मैं जिस तरीके के टॉपिक ले रहा हूँ, अब मुझे पता नहीं अब इसमें कितने लोग इससे रिलेट कर पाएंगे, लेकिन ये कुछ बातें जो मुझे लगता है कि बहुत लोगों को फील होती है। मुझे भी एक टाइम पर कभी कभी फील हो जाती थी, और मैंने बहुत लोगों के मुँह से सुना भी, और किसी ने आखिरकार पूछ भी लिया कॉमेंट सेक्शन में कि सर आर्ट की फील्ड में रेस्पेक्ट है क्या, एक आर्टिस्ट की रेस्पेक्ट है क्या समाज में, सोसाइटी में, जहाँ पर लोग लॉयर डॉक्टर इंजीनियर यही सब बोलते रहते हैं और इन्हीं सब की इज्जत करते हैं, तो क्या एक आर्टिस्ट, एक पेंटर, एक डांसर, एक सिंगर, ये जो आर्ट के फॉर्म्स होते हैं, इनमें क्या आर्टिस्टों की रेस्पेक्ट होती है क्या? और आर्टिस्ट के तौर पे मैं फाइन आर्टिस्ट की बात करूंगा, क्योंकि हमारा चैनल उसी बारे में है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन, जो भी है सब कर देना, एंड इस वीडियो को अच्छे से देखो और समझो जो मैं बोलना चाहता हूँ। देखो, जो एक आर्टिस्ट होता है ना, उसकी हम बात करें तो हमारा जैसे बचपन होता है कि हम बचपन में ड्राइंग कर रहे होते हैं, काफ़ी लोग घर वाले बोलते हैं कि वाह बेटा तू तो बड़ा होकर आर्टिस्ट बनेगा, क्या मस्त ड्राइंग बना रहा है, इस तरीके की बातें होती हैं घर में। रिलेटिव्स भी इसी तरीके की बातें बोलते हैं कि ये जो हमारा बेटा है ये बहुत अच्छा करता है ड्राइंग, बहुत अच्छी पेंटिंग बनाता है, बेटा बना के दिखाओ, बेटा इनको करके दिखाओ, अपना वर्क दिखाओ, इस तरीके के अच्छे अच्छे बातें सुनने को मिलती है। पर जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, बातें बदलती हैं, फिर लोग सीरियस होते हैं, फिर ये बोलते हैं कि यार इसमें क्या करियर है, थोड़ी सी अजीब टोनालिटी के साथ बोलते हैं, थोड़ा सा टॉन्ट टाइप का लगता है, थोड़ा ताना मारना टाइप का लगता है। तो इसलिए मुझे लगा कि इस टॉपिक पे थोड़ी बात कर लेनी चाहिए, ताकि आप लोगों को मैं कुछ चीज़ें बता सकूं। और अब मैंने भी ये देखा है, क्योंकि जिस तरीके के रिश्तेदार होते हैं उनको इन सब फील्ड के बारे में पता नहीं होता है, तो वो जिस टोन में बात करते हैं वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं हमें डीमोटिवेट कर देती है। लेकिन हमें अब ये समझना पड़ेगा कि आप किसी भी फॉर्म में हो, सिर्फ आर्टिस्ट की ही नहीं, आप किसी भी कोई भी काम में हो, पहली बात तो ये कि कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, ये तो है, लेकिन आर्टिस्ट की इज्जत की अगर मैं बात करूं तो मैंने जितना एक्सपीरियंस किया है, या तो आर्टिस्ट की इज्जत नहीं होती है, और होती है तो बहुत होती है, समझ रहे हो, दोनों में डिफरेंस आता है, और बहुत बड़ा डिफरेंस आता है, और इस डिफरेंस को तय करना ही हमारा काम है। ठीक है, जब हम एक लेवल पे आते हैं, जब हम ट्राई करते हैं कि हम आर्ट की फील्ड में आगे बढ़े, आर्ट की फील्ड में हम कुछ करें, अपना नाम बनाएं, तो हमें बहुत सारे ताने सुनने को मिलते हैं, खासकर उनसे जिनको इन फील्ड के बारे में उतनी नॉलेज नहीं है, जो कि पॉपुलर आर्टिस्टों को भी नहीं जानते हैं। अगर मैं जो बहुत पॉपुलर आर्टिस्ट हैं उनके नाम भी लूँ, तो नॉर्मल आदमी के सामने अगर नाम लूँ तो उनको ऑब्वियसली नहीं पता होगा। ठीक है, अगर मैं बहुत बड़े किसी बिलियनर का नाम भी लूँ, जो बहुत बिलियनर हैं और बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, ऐसे भी बहुत लोग हैं, अब उनका नाम भी आप लोगे तो किसी लोग को नहीं पता। तो आप इस तरीके से सोचो कि जो लोग होते हैं उनकी जो नॉलेज होती है, उनकी नॉलेज होती है टेलीविज़न में जो दिखाया जा रहा है, या उनको जितना आज तक समझ आया है उसके आसपास तक। लेकिन जब हम किसी फील्ड में जा रहे होते हैं, तो हमें यह समझना पड़ेगा कि उस फील्ड में जुड़े हुए जो लोग हैं वो कैसे काम कर रहे हैं, उस फील्ड से रिलेटेड जो लोग हैं वो किस तरीके से ऑपरेट कर रहे हैं। और यही चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। जब मैंने 12th किया, जब मैंने आर्ट की फील्ड में आया, तब मुझे भी ये सब फील होता था, क्योंकि लोग उतनी अच्छी तरीके से देखते नहीं थे एक आर्टिस्ट को। हमारे दोस्त भले ही फिर भी अच्छे ऐसे बोल देते कि वाह यार पेंटिंग कर रहा है तू, मस्त आर्टिस्ट बनेगा तू तो बड़ा हो गए, वाह, मतलब दोस्त फिर भी मोटिवेट कर देते हैं। लेकिन जो घर वाले होते हैं, जो रिलेटिव होते हैं, वो उनकी बातें थोड़ी सी मज़ा नहीं आती है, कोई बात नहीं। लेकिन मैंने ये एक्सपीरियंस किया है कि जैसे जैसे आपका आर्ट वर्क अच्छा होते चले जाता है, ओके, अब इस बात को ध्यान से सुनना, आज सुनोगे और समझोगे तो ये आपका हर एक फील्ड में काम आएगा, ओके, हर चीज़ में आपका ये बातें लागू होती हैं। तो इसको ध्यान से सुनना, समझना, क्योंकि ये मैंने एक्सपीरियंस किया, ये मैं किसी को सुन के देख के कहीं से पढ़ के नहीं बोल रहा हूँ, ये फील किया मैंने एक्चुअल अपनी लाइफ में, कि जब मैं पेंटिंग बनाता था और ठीक ठाक बनाता था तो रिएक्शन भी ठीक ठाक थे, लेकिन जब जब पेंटिंग मेरी अच्छी होती गई तब मैंने देखा है लोगों के रिएक्शन में बदलाव, कि लोग फिर अच्छे से रिएक्ट करना चालू कर देते हैं। उसके बाद भी फिर एक स्टेज आता है जहाँ पे हम देखते तो हैं कि लोग अच्छे से बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा ताना मारने टाइप का फिर भी बात करते रहते हैं कहीं ना कहीं बीच बीच में, कि यार बहुत अच्छा तो तू कर रहा है लेकिन फिर क्या करेगा, मतलब इसमें कुछ है, समझ रहे हो आप, फील समझ रहे हो आप। ठीक है, तो अब मैंने क्या एक्सपीरियंस किया, उसके बाद फिर मैं आर्ट वर्क को इम्प्रूव करता गया,
फिर मैंने ट्राई किया अलग अलग जगह पे जाने का, नए नए एग्जीबिशंस मैंने अटेंड किए, वर्कशॉप्स मैंने अटेंड किए, थोड़ा सा टूर लगाया, इधर उधर गया। अब वहाँ जाके मैंने बहुत चीज़ें नई नोटिस की जो मुझे आसपास के अपने माहौल में कभी देखने को नहीं मिली थी, जिससे मुझे बहुत सुकून मिला। एक बार की बात है, मैं दिल्ली गया था एक आर्ट एग्जीबिशन में, और वहाँ पे मैं रस्ते में एक बार रुक के नाश्ता कर रहा था, ओके, तो दो लड़के खड़े थे, वो दो लड़के आपस में बात कर रहे थे, और एक लड़का पहले वाले को बोलता है, यार क्या तू एक घंटे में पोर्ट्रेट बना पाएगा, तो दूसरा बोलता है, नहीं यार मैंने तीन घंटे में एक बार बनाया था, वो बहुत अच्छा बना था। तो जिंदगी में पहली बार मैंने किसी को ऐसी रस्ते पे ही आर्ट के ऊपर बात करते हुए सुना था, पेंटिंग के ऊपर। तो पता नहीं क्यों उस दिन पहली बार मैं अपने घर को छोड़ के, मतलब ऐसे बाहर टूर के लिए निकला था आर्ट के लिए, तो मैंने ये कुछ बातें सुनी थी लोगों के मुंह से, जब लोग आर्ट के, पेंटिंग, डिजाइनिंग, इन सब के ऊपर बात कर रहे थे, तब मुझे लगा कि नहीं यार, जहाँ पे हम लोग रहते हैं ना, उस जगह की लोगों की सोच में अभी ब्रॉडनेस नहीं आई है, तो उनकी सोच के कारण हमें खुद को दबाना नहीं है। तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट लेसन मुझे उस दिन समझ आई थी, जब मैंने लोगों को उस दिन पहली बार आर्ट के ऊपर बात करते हुए सुना था। तब फिर मैंने डिसाइड किया, फिर मैंने और एग्जीबिशन अटेंड किए, और जगह पे गया मैं, और कई बार फिर मुझे लाइव डेमो के लिए बुलाया गया, जब मैं अपने आर्ट वर्क और प्रैक्टिस करता गया, अपने स्टिल लाइफ वगैरह को इम्प्रूव करता गया, तो स्टिल लाइफ के ऊपर डेमोज देने के लिए और स्टेट लेवल, नेशनल लेवल एग्जीबिशंस, इंटरनेशनल लेवल एग्जीबिशंस में काफ़ी मैं अटेंड किया, तब मुझे समझ आया कि वहाँ के जो लोग होते हैं, वहाँ की मैंटेलिटी ही आर्ट वाली होती है। जो लोग आते हैं, जो विजिटर्स आते हैं, जो लोग पेंटिंग लगाए होते हैं, जो सीनियर आर्टिस्ट होते हैं, जो सीनियर आर्टिस्ट के साथ लोग आए होते हैं, उन सब की लोगों की सोच में आर्टिस्टों के लिए, आर्ट के लिए एक अलग से रेस्पेक्ट रहती है। और जब आप उनसे बात करते हो तो वो भी अपने जो स्ट्रगल लाइफ है उनके बारे में बताते हैं, तो समझ आता है कि एक पॉइंट होता है, ये जिंदगी का एक पॉइंट होता है जहां हमें फील होता है कि यार हमारे फील्ड में रेस्पेक्ट नहीं मिल रही, क्योंकि ये हमारा फील्ड हमें, हमारे लिए नया है, लोगों के लिए भी नया है, तो इसलिए लोग उसको उतने प्यार से, उतने समझे, उस हिसाब से बात नहीं करते उस बारे में। लेकिन जब आप एक्सप्लोर करते हो, समझते हो दुनिया में ऐसे ऐसी जगह पे हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसे ऐसे तरीके से लोग प्यार दे रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। एक बार की बात है, मैं अपनी एक पेंटिंग लगाया था मैंने अपने दिल्ली के एक एग्जीबिशन में, वहाँ पे एक जो एक फीमेल थी, एक लेडी आई, वो बहुत, मतलब बहुत हाई क्लास लेडी थी, मतलब होते हैं ना बहुत रिच पीपल होते हैं, उनमें से उनका एक वो थी, और वो आई और वो मेरी पेंटिंग को देखी और वो बोली कि क्या मैं आपकी पेंटिंग की फ़ोटो ले सकती हूँ, आपके साथ एक फ़ोटो ले सकती हूँ, मुझे ये अपने बेटे को दिखाना है, मैं भी चाहती हूँ कि मेरा बेटा आपके जैसे एक आर्टिस्ट बने। और बिलीव मी, ये लाइन मुझे अभी तक एज इट इज़ याद है कि उन्होंने कब, किस जगह पे, किस मोमेंट में, किस तरीके से कही थी, क्योंकि ये मेरे लिए पहली बार था कि मेरे जान पहचान के अलावा किसी एक पर्सन जो इस हाई लेवल पे हैं, उन्होंने मुझे इस तरीके से कहा कि क्या मैं आपके और आपके पेंटिंग के साथ फ़ोटो ले सकती हूँ, मैं अपने बेटे को दिखाना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ वो भी इस तरीके की पेंटिंग बनाना सीखे, इस तरीके का आर्टवर्क बनाए। और बिलीव मी, वो जो फील हुआ ना उस दिन जो दिल पे एक किक मिलती है ना, वो लगी कि यार होते हैं, इज्जत तो बहुत मिलती है, और इज्जत मिलती है तो बहुत सुकून वाली इज्जत मिलती है। अगर मैं आज के टाइम पे पेंटिंग छोड़ के किसी और फील्ड में चले जाऊं जिसमें मुझे इंटरेस्ट नहीं है, वहां पे लोग दुनिया भर की इज्जत दे दें, मुझे उतना फील नहीं होगा। लेकिन जिस दिन मुझे पेंटिंग के लिए वो पहली बार वो लाइन सुनने को मिली थी ना यार, यहां पे डायरेक्ट लगी थी, तब मुझे लगा कि नहीं, काम करना है तो बहुत अच्छे से करना है, और फिर प्रेजेंट करना है लोगों के सामने, फिर जो लोग बोलते हैं, जिस तरीके से लोग देखते हैं, अब आप खुद भी देख रहे हो। अब जिसने मुझे ये पूछा था क्वेश्चन कि क्या सर आर्ट की फील्ड में रेस्पेक्ट है, तो जब उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा तो सामने में सर भी लगाया, तो आप समझ सकते हो कि जब आप ये सवाल पूछ रहे हो तो सामने सर लगा रहे हो ना। अब सर बोलो, सर बोलने नहीं बोल रहा हूँ, सर बोलो, भाई बोलो, जो भी आपके दिल से जो आप मुझे मानते हो, आई रियली लव इट, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि जिस तरीके से आप भी देखते हो मुझे, तो आप भी जिस इज्जत की नज़रों से देखते हो, उसी नज़र से सभी देखते हैं जो एक आर्ट के लवर हैं। और अगर आर्ट के लवर नहीं भी हैं, तो जब आप आर्ट की फील्ड में आगे बढ़ जाते हो, तो जो आर्ट के लवर नहीं है, जो आर्ट के बारे में नहीं जानते, वो भी आपको रेस्पेक्ट देते हैं, और बहुत रेस्पेक्ट देते हैं। तो डेफिनेटली आर्ट की फील्ड में कुल मिला के बात यह है कि रेस्पेक्ट है, और बहुत है। बात यह है कि वो रेस्पेक्ट को अर्न करने के लिए आपको काम करते रहना पड़ेगा, अपनी पहचान लोगों में इस तरीके से बनानी पड़ेगी कि लोग आपको आपके काम के वजह से जाने, आपकी मेहनत के वजह से जाने कि हाँ ये एक बंदा है, ये एक बंदी है जो अपने फील्ड में इतना एफर्ट दे रहे कि अपने फील्ड में आगे बढ़ता चला जा रहा है। अपने आर्ट वर्क को जिस भी फील्ड में हो, आप फाइन आर्ट में हो, डिजाइनिंग में हो, पेंटिंग कर रहे हो, कोई स्कल्पचर बना रहे हो, डिजाइनिंग बना रहे हो, तो कुछ ऐसा करना है आपको
इस तरीके से अपने आर्ट की क्वालिटी बढ़ानी है कि जब सामने से लोग देखते हैं ना तो अपने आप वो रेस्पेक्ट देने लग जाते हैं। और जब भी आप किसी इवेंट में जाते हो, देखो क्या होता है ना, जब हम अपने आर्ट की क्वालिटी बढ़ा लेते हैं, हम अच्छा वर्क करते हैं, समझना पड़ेगा, हमेशा अपने आप को एनालाइज करो कि आप किस लेवल पे काम कर रहे हो, अपना वर्क किस तरीके के बना रहे हो। जितना अच्छा करते जाओगे उतना आगे बढ़ते जाओगे। अच्छा वर्क बनाने के बाद हम जब इवेंट्स में जाते हैं, एग्जीबिशंस में अपने वर्क शो करते हैं, या फिर कभी इवेंट्स में सिर्फ घूमने चले गए, आर्टिस्टों से मिलने चले गए, अपने फोन से फोटो निकाल के दिखाई कि सर मैंने ऐसे ऐसे पेंटिंग बनाई है, तो जब उनके साथ जुड़ने का मौका मिलता है तो उस तरीके से फिर आपका नेटवर्किंग बनता है, आप लोगों के साथ जुड़ते चले जाते हो। फिर जब आपकी नेटवर्किंग बढ़ती है तो आपका सोशल मीडिया प्रेजेंस, जो आपका रेपुटेशन है, वो बढ़ता है, तो अपने आप फिर एक जो इज्जत है, इज्जत बहुत अच्छे से मिलती है, प्यार से मिलती है, सभी से मिलती है। ओके, तो ये जो इज्जत वाली बात है इसको अपने दिमाग से निकाल देना। एक बंदा है जॉब कर रहा है ज़बरदस्ती, मान लो, समझ लो कि एक बंदा है जो ज़बरदस्ती जॉब कर रहा है, जॉब में सक्सेसफुल नहीं हो रहा है, या फिर कुछ और काम कर रहा है सक्सेसफुल नहीं हो रहा है, लेकिन वो सोचता है कि यार कभी मैं उस चीज़ में अगर चला गया होता, अपने उस पैशन को फॉलो कर लिया होता तो शायद मैं अभी कहीं और होता, लेकिन वो नहीं कर पाता है लोगों की इस सोच के कारण और अपनी इस सोच के कारण कि यार मैं ये सोचता रहेगा कि पता नहीं इसमें कोई सपोर्ट करेगा, इज्जत करेगा कि नहीं करेगा, ये सब में वो फंसा रह जाता है। समझ रहे हो, इन सब चीज़ों से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप ये सोचते रहो कि यार आर्ट में इज्जत है कि नहीं इज्जत है, तो आप मतलब समझ जाओ कि आपका बिलीफ लिमिटेड है, आप नहीं सोच रहे हो, आपके अंदर वो लोग सोच रहे हैं जिनसे आप अभी तक मिलते आए हो, यानी कि आपका परिवार, आपके दोस्त यार, जिससे आप अभी तक जुड़े हुए हो। जब जब आपको डाउट आ रहा है कि इसमें ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तब तब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उस बंधन को तोड़ के, अपने जो सराउंडिंग है उसको तोड़ के बाहर निकलना, निकलो, बाहर की दुनिया देखो, लोगों को और देखो और पढ़ो उस बारे में, और रिसर्च करो उस बारे में, और जानकारियां निकालो, तब आपका जो बिलीफ है वो टूटना चालू होगा, तब आप एक्सप्लोर करना सीखोगे, तब आप वो चीज़ें जान पाओगे जो किसी ने अभी तक सोचा भी नहीं है। सो इट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट कि आप इन सब चीज़ों को ध्यान दो, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जानता हूँ कि कई लोग नहीं भी बोलते हैं, जैसे किसी ने मेरे से ये सवाल पूछ लिया, बट बहुत लोग नहीं भी पूछते हैं, लेकिन मन में रहता है, उनको भी मैं बोलना चाहता हूँ कि समझो इस चीज़ को। अपने आप को जब तक फ्री नहीं करोगे ना अपनी इन क्वेश्चन से कि यार इसमें रेस्पेक्ट है कि नहीं, इसमें स्कोप है कि नहीं, ये सब बिलीफ जब तक तोड़ोगे नहीं, तब तक अंदर से वो काम करते रहने का जज्बा आता नहीं रहेगा। और कैसे टूटेगा, किसी की वीडियो देख के, किसी को सुन के नहीं, रिसर्च करो, देखो क्या क्या होता है, कौन आर्टिस्ट क्या काम कर रहा है, बाहर जाओ, एग्जीबिशंस जाओ, देखो कौन कैसे काम कर रहा है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि अभी से पैसे 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 मत करो, पहले समझो चीज़ों को, देखो, एक्सप्लोर करो, फिर अपने आप क्लियर होता चले जाएगा और सारी चीज़ें अपने आप आती है। ओके, अंडरस्टूड। भगवान की धरती पे आके बोले ना कि मैं भगवान हूं, तो कोई इज्जत नहीं देगा जब तक वो कुछ चमत्कार करके ना दिखा दे। समझ रहे हो, लोग कितने ज़्यादा डिपेंड करते हैं सामने वाले को कुछ करके दिखाने के लिए। अगर आप आर्ट की फील्ड में जा रहे हो और आप चाहते हो कि आपको कोई रेस्पेक्ट करे, तो आपको अपने वर्क से वो मैजिक क्रिएट करना पड़ेगा, आपको अपने आर्टवर्क में वो बात लानी पड़ेगी कि सामने वाला बोले कि हाँ भाई, इसको मैं आर्टिस्ट बोल सकता हूँ, और आर्टिस्ट के तौर पे उतनी रेस्पेक्ट भी देने के लिए वो तैयार हो जाता है। बहुत लोग प्यार करते हैं, जैसे आप लोग, इतने लोग मुझे प्यार करते हो। ओके, जैसे मुझे पहले कोई नहीं जानता था, अब मैं यूट्यूब पे आया हूँ, मैं बाकी जगह पे जाता हूँ, लोग जानने लगे हैं, अपने आर्टवर्क पे भी मैं काम करते रहता हूँ, लोगों को पता चलता है, तो प्यार बढ़ता चला जाता है। तो प्यार देने वालों की कमी नहीं रहती है, और लेकिन हमारा भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने आर्टवर्क को इम्प्रूव करते चले, हमारे वर्क में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, इस पर ध्यान देना है। और इन सब बातों पे आप डेफिनेटली आपके माइंड में आते हैं, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई। हो सकता है कि इस वीडियो को देखने के बाद थोड़ा सा आपको क्लियरिटी आए, थोड़ा सा आपको समझ आए कि भाई इज्जत की कोई बात नहीं, इज्जत तो फूल मिलती है और बहुत दिल से लोग प्यार करते हैं, दिल से जुड़ते हुए चले जाते हैं। बस आपको अपने अंदर ये कन्फ्यूज़न नहीं रखना है, आपका मैं डाउट तोड़ सकूँ थोड़ा सा, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। और समझो, एक्सप्लोर करो, चीज़ों को देखो, जगह जगह जाओ, सबके बारे में जानो, जितना अपनी फील्ड में घुसोगे उतना आगे बढ़ोगे, उतना लोग आपके पीछे आएंगे। ओके, लव यू ऑल, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। एंड आई रियली वांट यू टू कमेंट, जितना कमेंट कर सकते हो, 1, 10, 20, 30, 50, एक एक आदमी 10-10 कमेंट भी करो तो चलेगा, लेकिन अपनी मन की भड़ास निकालो, जो आपके मन में लिखो, और मेरी पुरानी जो AMA सीरीज है उनको भी देखो, उनकी वीडियोज भी देखो। एंड अब मिलेंगे अगली वीडियो में, इस वीडियो को अच्छे से शेयर कर दो दबा के, एंड ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टिल देन, कीप डूइंग व्हाट यू लव एंड लव यू ऑल।